साथ मैंने ठुमका मारा, मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ मैं यार। की लड़की है, सुशील लड़की है, वो पार डांसर हो ही नहीं। अरे तेरे को विश्वास नहीं होता, तू चल मेरे साथ। मेरे साथ नहीं जाता ऐसी जगह। तो बाबू भैया आप एक काम कर, तू जा, तू अकेला जा, और होगी तो ऐसा कान खींच के बाहर लेकर। राजू कान मत खींचना, नाजुक है वो बेचारा। क्या हुआ, गाड़ी काहे को रुका रे? खूब ठंडा है। आज के ब्लॉग में नाम मैं आपको फिर हेरा फेरी मूवी की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। देखो फिर हेरा फेरी मूवी यार बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है। वो रिलीज हुई थी करीब 16 साल पहले, लेकिन अभी तक वो मेरी फेवरेट मूवी है कॉमेडी के मामले में। वो मूवी की है ना मैं शूटिंग लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आया हुआ हूँ जुहू में। जुहू में यहाँ पर कई सारे सीन्स उसके रिकॉर्ड किए गए थे। मैं कई बार ये स्ट्रीट से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ये आइडिया नहीं था कि वो उनका सीन यहाँ पर शूट की गई है। बार मुझे ऐसा ही क्लिक हो गया कि टेम्पल फ्लावर करके एक जगह दिखाई जाती है फिर हेरा फेरी मूवी में, तो वो यहीं पर जुहू में है। तो आप मेरे पीछे ये रेस्टोरेंट देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट है या शायद बार है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये इसके टेम्पल फ्लावर लिखा हुआ है। तो यहीं पर आपने देखा था कि यहीं पर अक्षय कुमार गेट से वो अंदर गए थे और फिर ये वाला टेम्पल फ्लावर आपको दिखाया जाता है। फिर जब भी वो और एक सीन रहता है वहाँ पर, वो वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर एल्फ्रेडो लिखा हुआ है, वो एक रेस्टोरेंट है। तो वो एल्फ्रेडो रेस्टोरेंट भी है ना टीवी पर दिखाई जाती है। अभी तो देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पर चेंज किए गए, क्योंकि ऑफकोर्स 16 साल हो चुके मूवी को। तो मूवी के एक सीन में आपने देखा था कि अक्षय कुमार और परेश रावल सर वहीं से चल के आते हैं वहाँ पर अपने को, वो वाली सामने एल्फ्रेडो रेस्टोरेंट भी अपने को मूवी में दिखाई देती है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, आप साइड में क्लिप्स में भी देख सकते हो। और फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं ये टेम्पल फ्लावर के पास, ये इसको एक डांस बार दिखाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है अंदर। लेकिन वो मूवी में जब ये शूट की गई थी ना तभी ये पूरी बनी हुई थी और वो यहीं पर शूट की गई थी। फिर एक सीन यहाँ से भी आपने देखा था कि वो लोग परेश रावल सर, अक्षय कुमार सर यहीं पे खड़े रहते हैं और वो राजपाल यादव वो तरफ से आते हैं और वो लोग को यहाँ पर आके झगड़ा करने लगते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पर सीन था, वो भी यहीं पर शूट किया गया था। So guys, अभी हम लोग है ना सेकंड लोकेशन पर आ चुके हैं, हम लोग अभी है ओशीवारा में। यही वाले रोड से वो आती है कार, यहीं पर खड़ी रहती है और फिर आप पीछे की पूरी बिल्डिंग देख सकते हो, वो बिल्डिंग पूरी दिखाई देती है हमें वो सीन में, और बिल्डिंग का ऊपर वाला कोना भी हमें बहुत बार दिखाई देता है वहाँ पे अपने सीन में। और फिर यहाँ पर सामने क्विक कार्स का आप दुकान देख सकते हो, ये क्विक कार्स की दुकान है ना, वो भी अपने को सीन में दिखाई गई थी। तो देखो एग्जैक्ट यही लोकेशन पर पूरा शूट किया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा है ना फनी सीन था, वो भी मेरा फेवरेट सीन है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं कार में और जाते हैं वॉशरूम करने के लिए और वो उनको चकमा दे के भाग जाते गुंडे लोग को, तो वो वाला पूरा सीन यहाँ पर शूट किया गया था। ये वाला पूरा रोड देख सकते हो, अभी तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं ऑफकोर्स, क्योंकि मूवी को 16 साल हो चुके, ये पेड़ वेड़ भी ज़्यादा उग चुके हैं यहाँ पर, वरना वो सीन में आपने देखा था पूरा खाली था। वहीं से वो कार आती है चलकर यहाँ पर खड़ी रहती है, फिर हमें ये बिल्डिंग दिखाई देती है यहाँ पर। मेरे पीछे आप बंगलो देख सकते हो, ये बंगलो है फिर हेरा फेरी का बंगलो, और फिर वो एक मूवी थी मेरे बाप पहले आप, वो भी परेश रावल सर की थी और अक्षय खन्ना सर की, और फिर कांचना 3 की भी शूट यहीं पर हुआ था और बहुत सारे वेब सीरीज के यहाँ पर शूट हुए रहते। ये आपको फेमस ये स्पॉट तो याद होगा ही गाइस, यहाँ पर फिर हेरा फेरी की पूरा मूवी यहाँ पर शूट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग का आधा सीन तो यहीं पर शूट हुआ था। और फिर पीछे के बाजू पूल का एरिया है, पीछे के साइड यहाँ पर है पूल का एरिया, ये पूल का एरिया में ही शूट हुआ था, जो कि परेश रावल सर का बहुत ही फेमस सीन, जो कि आप साइड में देख ही सकते हो, जो कि बाल्टी भरकर नहाते रहते हैं और फिर अक्षय सर उनको धक्का भी देते पानी के अंदर, वो सीन यहाँ पर ही शूट हुआ था, बहुत ही फेमस सीन है गाइस वो वाला। तो गाइस मैंने आपको सारी शूटिंग लोकेशंस दिखा दी, यही कुछ लोकेशन थी जहाँ पर मुंबई में शूट हुए थे। और भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस शूटिंग लोकेशन है जो कि मूवी के बीच में वो चौल वाला सीन दिखाया जाता है, वो चौल मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई ना तो मैं ऑफकोर्स वहाँ पे भी ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको मालूम है ये चौल वाला सीन कहाँ पे है तो मुझे नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताना, ये फोटोज भी देख सकते हो चौल के। फिर आपने जो 50 करोड़ वाला बंगलो भी देखा, वो बंगलो है ना अभी तक सेम टू सेम है मड आइलैंड में ही, तो वो भी मैंने दिखाया है आपको, वो भी देखा आपने कैसा था, और उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर ब्लॉग भी बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखो यही जुहू और ओशीवारा में ये दो सीन रिकॉर्ड किए गए थे, और भी मुझे मिलेंगे तो मैं इन फ्यूचर आपको जरूर दिखाऊंगा बाकी सारी लोकेशंस। और अगर आप भी फिर हेरा फेरी मूवी के फैन होना तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस अभी ये वाला ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।